भारत का ये विध्वंसक है बेहद खतरनाक, चुटकियों में चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के घर को कर सकता है तबाह। इस विध्वंसक का नाम है INS मोरमुगाव। भारतीय नौसेना का ये बाहुबली बेहद खास है और इसको लेकर जो खबर सामने आ रही वो ये है कि भारतीय नौसेना ने इस विध्वंसक से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करके दुश्मनों में खलबली मचा दी है। ये INS मोरमुगाव विध्वंसक का पहला ब्रह्मोस परीक्षण था। INS मोरमुगाव विध्वंसक ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फायरिंग के साथ लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। नवीनतम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगाव ने अपनी पहली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फायरिंग के दौरान बुल्स आई पर सफलतापूर्वक निशाना साधा। बता दें कि INS मोरमुगाव का डिजाइन भारतीय नौसेना के स्वदेशी संगठन ने तैयार किया है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया। वैसे तो ये प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में विशाखापट्टनम श्रेणी का दूसरा विध्वंसक है। इस युद्धपोत को दिसंबर 2022 में भारतीय नौसेना कमीशन में शामिल किया गया था। वहीं इसकी खासियत की बात करें तो INS मोरमुगाव भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 18 दिसंबर को नौसेना में कमीशन किया गया था। 2021 में 19 दिसंबर को इसे समुद्र में उतारा गया। ये वही दिन था जब गोवा को पुर्तगाली शासन से आजादी मिली थी और इसे 60 साल पूरे हुए थे। INS मोरमुगाव ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों से लैस है। इस खतरनाक युद्धपोत को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। इसकी लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है। युद्धपोत का वजन करीब 7400 टन है। INS मोरमुगाव का नामकरण पश्चिमी तट पर गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। इस युद्धपोत ने भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। INS मोरमुगाव नौसेना का सबसे शक्तिशाली विध्वंसक है। यह 30 समुद्री मील की अधिक गति से भी चल सकता है। इसमें इसराइल का रडार MF-STAR लगा है जो हवा में लंबी दूरी के लक्ष्य का पता लगा सकता है। 127 मिलीमीटर गन से लैस INS मोरमुगाव 300 किलोमीटर दूर से लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम है। इस पर AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम लगा है। साथ ही यह एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से भी लैस है। यह युद्धपोत हर तरह से दुश्मनों को घेरने में सक्षम है। पानी के रास्ते ही चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में ये आग लगा सकता है। आपकी इस युद्धपोत को लेकर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।